नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। लोग जमीन सर्वे के लिए जरूरी कागजात इकट्ठा करने में जुटे हैं, लेकिन जमीन सर्वे के पूर्व कागजात तैयार करने में प्रखंड के किसानों और जमीन मालिकों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन अब जमीन सर्वे को आसान बनाने के लिए बिहार सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है। इस नए कानून के बन जाने से आपको जमीन सर्वे में हो रही समस्या से निजात मिल जाएगी। क्या है पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। बिहार में इसी साल यानी कि 2024 अगस्त के महीने से जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन लोगों को इतनी परेशानी हुई जिसका अंदाजा सरकार को भी नहीं था। किसी के पास जमीन के कागजात नहीं हैं तो किसी के पास कोई और समस्या है। अब जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अब लैंड सर्वे में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि लैंड सर्वे को लेकर एक नया कानून बनने जा रहा है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार अगले कैबिनेट की बैठक में भूमि सर्वे से संबंधित नया कानून बनाने का एक प्रस्ताव ला रही है। इस कानून से लोगों को अपनी भूमि के सर्वे कराने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भागलपुर सहित राज्य के सभी राजस्व अधिकारी को सीधे तौर पर हिदायत भी दी गई है कि वे लंबित मामलों का निपटारा न्याय के साथ निर्धारित अवधि के भीतर करें। इसके लिए एक महीने का समय दिया गया है। जल्दबाजी में किसी मामले को रद्द नहीं करें। जिस अंचल के मामले लंबित रहेंगे वहां के राजस्व पदाधिकारी दंडित किए जाएंगे। भूमि विवाद की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए राजस्व विभाग हर संभव उपाय कर रही है। दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि पहले राजस्व विभाग की स्थिति ठीक नहीं थी और इस वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन हमने कार्यभार संभालते ही गड़बड़ी करने वाले 37 अंचलाधिकारियों को निलंबित किया है और अन्य 82 अंचलाधिकारियों के विरुद्ध कई तरीके से कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सभी अंचलाधिकारी सहित सभी राजस्व अधिकारी अपनी सेवा पुस्तिका अपने पास रखते थे, लेकिन हमने उस सिस्टम को बदलते हुए सभी अधिकारियों को अपनी सेवा पुस्तिका विभाग में जमा करने के लिए कहा है, ताकि गलती करने वाले अधिकारियों के लिए विभाग सही तरीके से सजा तय कर सके। वैसे सरकार के निर्देश के बावजूद 189 राजस्व अधिकारियों की समयबद्ध सेवा पुस्तिका विभाग में जमा नहीं हो पाई है। वैसे अधिकारियों के नवंबर महीने का वेतन रोक दिया गया है, बाद में अन्य उन्हें सजा दी जाएगी। वैसे राजस्व विभाग के प्रति बनी लोगों की नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जमीन सर्वे में कई समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा है, जिसके बाद अब बिहार सरकार ने सुझाव निकाल लिए है। वैसे आपको बता दें कि बिहार में जैसे ही इस साल विशेष भूमि सर्वेक्षण 2024 की शुरुआत हुई तो लोगों में डर का माहौल हो गया और अपनी जमीन चली जाएगी इसका डर होने लगा। हालांकि लगातार सरकार की ओर से यह अपील की जा रही है कि किसी भी जमीन को नहीं छीना जाएगा। ये सर्वे इसलिए हो रहा है जो जमीन का सही मालिक है उसको उसका हक मिल जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। सर्वे शुरू होने के बाद अब जैसे जैसे जो समस्या आ रही है उसके समाधान की व्यवस्था भी की जा रही है। वैसे अब जानते हैं कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान लोगों को क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भूमि सर्वेक्षण के दौरान जमीन मालिकों को कागजात तैयार करने में कई तरह की परेशानी आ रही है, जैसे रसीद कटवाने, दाखिल खारिज और वंशावली बनाने में देरी हो रही है। वहीं दलाल और बिचौलिया मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। सरकार सर्वे के लिए स्वघोषित वंशावली मांग रही है। शपथ पत्र बनाने के लिए पोस्ट ऑफिस में टिकट के लिए मारामारी की स्थिति देखने को मिल रही है। सरकारी कर्मचारी मनमाना पैसा ले रहे हैं और कागज निकलवाने में एक एक महीना लग रहा है। बिहार में ज्यादातर जमीन के कागजात कैथी लिपि में है। इन कागजातों को पढ़ाने वाले लोगों की कमी है, जिससे मालिकों को 15,000 से 20,000 रुपए तक का खर्च करना पड़ा है। ये सारी समस्याएं लोगों को जमीन सर्वे के दौरान देखने को मिल रही है, लेकिन अब बिहार सरकार ने इसका भी समाधान जो है वो निकाल लिया है, क्योंकि इसके लिए एक नया कानून जो है वो जल्दी बिहार सरकार लाने वाली है। खैर, अब देखना होगा कि नए कानून के आने के बाद क्या कुछ लोगों को सहूलियत मिलती है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।